मन चलो कि अब खेल नहीं, एसपी ने रवाना की निर्भया मोबाइल टीम, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए करेगी पेट्रोलिंग। हमारे बैतूल संवाददाता सचिन पात्रीकर ने बताया कि बैतूल एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने निर्भया मोबाइल की शुरुआत की। उन्होंने पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर का भी शुभारंभ किया। इस सेंटर में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय से मिलेगी दो स्कूटी को निर्भया मोबाइल के रूप में रवाना किया गया। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल की शुरुआत की। यह मोबाइल शहर में महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम, स्कूल कॉलेज के समय छेड़छाड़ को रोकने और महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के लिए लगातार थाना क्षेत्र, गंज और कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण करेगी। इस मोबाइल में दो दो महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर संबंधित पॉइंट पर पहुंचकर कार्यवाही करनी होगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए दो अतिरिक्त स्कूटी मोबाइल मिलने से कानून व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा। साथ ही शहर में दोनों निर्भय मोबाइल चलने से महिलाओं और बच्चियों में सुरक्षा के साथ आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी में अधिकतर व्यस्त रहने की वजह से अपने परिवार के बच्चों का विशेष ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनके करियर बनने में समस्या उत्पन्न होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एक लर्निंग सेंटर खोला गया। इस लर्निंग सेंटर पर पुलिस कर्मियों के बच्चों के भविष्य से सुधार करने, शैक्षणिक विकास तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, बच्चों के लिए अच्छे जॉब करियर के लिए आईटीआई, नर्सिंग, एमपीपीएससी, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक की परीक्षाओं की बेसिक तैयारी करने के साथ स्किल डेवलपमेंट के संबंध में विचार विमर्श कर बच्चों के कैरियर की तैयारी की जाएगी। जहाँ शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों को बुलाकर शैक्षणिक कार्य किया जाएगा। आज हमने दो नए चीज़ों का शुभारंभ बैतूल जिले में किया है। एक निर्भय मोबाइल हमने बैतूल शहर के लिए, जिसमें महिला कांस्टेबल ही उस टू व्हीलर में रहेंगी, जो विशेष तौर पे बच्चियों के सुरक्षा के दृष्टिगत ये लगातार पेट्रोलिंग में रहेंगे और जो इनका पीक टाइम होता है वहाँ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थान पे, जहाँ पे बच्चियों का ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ पे निगाह रखेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमने ये मोबाइल शुरू किया है। दूसरा कार्यक्रम डीजी सर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस कल्याण के लिए, पुलिस परिवार के लिए एक लर्निंग सेंटर की स्थापना डीआरपी लाइन में ही किया जाना है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे कैरियर के प्रति गंभीर हैं उनको आवश्यक सुविधाएं और जो लर्निंग के लिए जो चीज़ों मटेरियल्स प्रोवाइड कराना और समय समय पे उनकी काउंसलिंग करना, ये हमारा दायित्व रहेगा। इसके लिए एक अभी लाइन में हमने यहाँ पर एक लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया है। सर, जो सेंटर है इसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे और कितने बच्चे लाभ उठा पाएंगे? इसमें जितने बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कराएं, अभी शुरुआत की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर हम इसको बढ़ा भी लेंगे और टाइम टू टाइम अलग अलग विशेषज्ञ भी बुला के हम इसको अच्छे से संचालित करेंगे और हर क्लास के और हर विधा के लोगों को भी हम यहाँ बुलाकर जो है इनको मोटिवेट करते रहेंगे। सर, क्या क्या कोर्सेज रहेंगे? अभी मुख्य रूप से जो कैरियर के संबंध में इनको जागृत करना है कि इनका कैरियर किस दिशा में इनकी रुचि है, और उसके लिए फिर जो लर्निंग के लिए जो इनको आवश्यक जो इनको मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य रहेगा।